तो दोस्तों ठीक हो ना आप सब। Realme ने इंडिया में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया, Realme P1 Speed। इस स्मार्टफोन को चुपके से लॉन्च किया Realme ने, क्योंकि ये स्मार्टफोन रीब्रांड स्मार्टफोन है। मतलब डिज़ाइन वगैरह भी पहले जो Realme के स्मार्टफोन है उससे मिलता जुलता है, स्पेक्स वगैरह भी उससे मिलते जुलते हैं। क्या कुछ स्पेक्स वगैरह होने वाले हैं, कितना प्राइस है इसका, सारा कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और एक लाइक कर देना ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं इसमें आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फिर बात करेंगे प्राइस की। तो इसमें आप लोगों को 6.67 इंच का FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का आप लोगों को रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 2000 निट्स का आप लोगों को इसमें पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। LPDDR4X का RAM वेरिएंट दिया गया है, UFS 3.1 का आप लोगों को इसमें स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है। अगर चिपसेट की बात करें तो इसमें आप लोगों को Dimensity 7300 एनर्जी का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि पहले भी Realme के स्मार्टफोन में यूज हो चुका है। और अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो ये काफ़ी दमदार चिपसेट है, मतलब आप लोगों को परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 5000mAh का बैटरी होने वाला है, 45W का चार्जर देखने को मिल जाएगा। पीछे के साइड में डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं, 50MP का आप लोगों को मेन सेंसर मिलेगा और 2MP का डेप्थ सेंसर और 16MP का आप लोगों को सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन में। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है और डुअल स्पीकर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 3.5mm का ऑडियो जैक भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। VC कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, मतलब ज़्यादा अगर गेम खेलते हो या फिर कुछ भी करते हो इस स्मार्टफोन में तो अगर गर्म हुआ ज़्यादा तो मतलब गर्म ज़्यादा नहीं होने देगा। इसमें आप लोगों को ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, मतलब दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड एक ही टाइम पे लगा पाओगे। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 भी देखने को मिल जाएगा। 2 साल तक का आप लोगों को OS अपडेट देखने को मिलेगा और 3 साल तक का आप लोगों को सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता रहेगा इस स्मार्टफोन में। अब बात कर लेते हैं रैम वेरिएंट और प्राइस की, और लेना चाहिए कि नहीं उसकी। तो देखो 8GB रैम प्लस 128GB रोम इसका प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है 18,000 रुपये, और 12GB रैम प्लस 256GB रोम इसका प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाता है 20,000 रुपये। तो इतने प्राइस में अगर आप इस स्मार्टफोन को लेते हो तो चिपसेट वगैरह आप लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी आप लोगों को उतना ठीक देखने को नहीं मिलेगा और चार्जिंग भी आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, चार्जर बैटरी वगैरह। तो इस सब में मतलब ज़्यादा उतना खास ध्यान दिया नहीं गया है। अगर आप गेमिंग के लिए लोड वगैरह देने के लिए इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आप लोगों को चिपसेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।